हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? तो आपको जैसे कि मालूम होगा कि आपका कल एग्ज़ाम है। कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम 20 तारीख को भी है और ज़्यादातर बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो कल है। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसी में सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन होंगे, तो अच्छे तरीके से आप फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इसको आप बिल्कुल रियल टेस्ट समझ कर ही सॉल्व कीजिएगा। 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा आपका, तो फटाफट आप इसको आंसर बताते रहिए। हम आपको क्वेश्चन फटाफट जो है पढ़ के बता देते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आप एक कॉपी लेकर पहले का जो भी आंसर है वो लिख लें। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रत्यावेदन कब किया? ठीक है, तो फटाफट आप इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर टू का, वीडियो को स्किप कर लें, रोक लें बीच में, अपना आंसर पहले लिख लें, उसके बाद हम आपको आंसर की और पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, भगवद गीता में कर्म के कितने तत्वों का वर्णन किया गया है? चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको देना होगा। फटाफट टाइम ना बर्बाद करते हुए आप इसको सॉल्व करें। निम्नलिखित में से किसने व्यापगन का सिद्धांत पेश किया जिसके द्वारा प्राकृतिक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भारतीय राज्यों के अधिकार का व्यागमन ब्रिटिश को होना था? चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना होगा। थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फाइव, लोकसभा समिति के को उस कार्यकाल के निष्कासित किया जा सकता है? चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, और अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर इसका आंसर दें, क्वेश्चन नंबर फाइव का। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। ELISA परीक्षण निम्नलिखित पहचान हेतु है? चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको देना होगा। बायोलॉजी से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो आपको चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, काले छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किस के द्वारा खोजा गया? चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप राइट ऑप्शन ज़रूर दें। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? चारों वैज्ञानिकों के नाम आपके सामने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मौसम संबंधी नक्शे पर समान वर्षा के स्थानों को जोड़ने वाली एक रेखा जो कहलाती है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी और उनके अभिभावकों पर डालता है? आपको ये क्वेश्चन करा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद की एक वीडियो अलग से भी है, आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों को अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, क्वेश्चन एक बार ये पहले भी आपको करा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसका आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट है, रेशम उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए। कॉपी पे लिखते रहें तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ही करना होगा। ठीक है, ये ना सोचें कि हमसे नहीं होगा, आप करेंगे तो ही होगा। नेक्स्ट है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रिलियन प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कौन सा राजनीतिक दल नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपको राइट ऑप्शन जरूर देना होगा। आप ये ना सोचे कि क्वेश्चन पेपर हार्ड है, ठीक है, आएगा इसी तरीके का, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा आपका, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बीच में बायो, बीच में फिजिक्स, फिर मैथ और लास्ट में रीजनिंग या लास्ट में मैथ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उपयोगितावाद की अवधारणा प्रस्तुत की? चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दें। नेक्स्ट है, किसने स्वराज को स्वराज के श्रेष्ठता माना? चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आप दें फटाफट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तैयारी की है और आपको एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से देकर आना होगा। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना गया? राइट ऑप्शन आपको देना होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कुछ बच्चों के जैसे कि क्वेश्चन थे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो हमने सभी क्लियर करने की कोशिश की गई है कि क्या लेकर जाएं क्या ना लेकर जाएं। हमने आपको लिए हर वीडियो बना दी है आपके सोचने से पहले ही। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन, हाँ तो इस टाइम पे मोबाइल फ़ोन की तो दिक्कत है ही, अगर आप मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं तो आप अपने साथ किसी को साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ख़ास सुविधा मुश्किल हो कि आपका फ़ोन जमा हो, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अगर फ़ोन लेकर जाएं तो अपने साथ किसी को लेकर जाएं। पेन के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि कौन सा पेन लेकर जाना है और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम सेंटर पर आधा घंटा पहले जाने की कोशिश करें, ठीक है। आपके बैठने की सुविधा वहाँ पर आपके जो कॉलेज का सेंटर आया है, जहाँ पर आपका सेंटर है वहाँ पर आपके रोल नंबर आपको चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आपको देना होगा 22 का। नेक्स्ट 23, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन देने की कोशिश करें फटाफट, कॉपी पर लिखते रहें। नेक्स्ट है, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं अगर आपके पास कॉपी की सुविधा ना हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास कॉपी की सुविधा नहीं होगी, हम आपको सॉल्यूशन जो है इसका देंगे। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आपको देना होगा। नेक्स्ट है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आपको देना होगा। नेक्स्ट है, हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको देना होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमने सभी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो कराने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा आएगा, लेकिन कोशिश यही रही है कि आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाए, क्योंकि और भी बहुत से चैनल यूट्यूब पर हैं जो पैसे लेकर पढ़ाई कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं कराया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आपको देना होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आपको देना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? चारों ऑप्शन आपके सामने है, 29 का राइट ऑप्शन देने की कोशिश करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? धरती का राइट ऑप्शन देने की कोशिश करें अच्छे तरीके से, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें, और आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, बाद में हम आपको इसके आंसर की और सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट, 13वीं शताब्दी के तीसरे दशक में दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको करा दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसका आंसर दें। नेक्स्ट है, आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन आप ज़रूर दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्यंश से जुड़े हैं? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 34, पिट्स स्टॉप शब्द इनमें से किस खेल से जुड़ा है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन जरूर दें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द भूकंप की घटना से जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आप जरूर दें। बिल्कुल, आप रियल टेस्ट समझकर ही, रियल क्वेश्चन पेपर समझकर ही इसके आंसर दें। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन काल में निम्न में से कौन सा उनका शिष्य नहीं था? गौतम बुद्ध के जीवन काल में निम्न में से उनका जो ये चारों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उनका शिष्य नहीं था? नेक्स्ट, कॉम्स फेस्टिवल का संबंध इनमें से किससे है? चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। जो ए है फिल्म है और सी है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम देकर आना है और डरना नहीं है, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप जाएं नॉर्मल, और बिल्कुल कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से आप, आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपने अच्छी तैयारी की है। भारत के शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी और पश्चिम धारण को प्रारंभ करने में इनमें से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन ज़रूर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन ज़रूर दें। नेक्स्ट, नेहरू समिति 1928 का अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन ज़रूर दें। 40 का, 41 है, गुणनफल का में इकाई अंक होगा, तो इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना होगा, आपको 7th या 8th क्लास में ये सिखाया गया होगा। नेक्स्ट है, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्ण विभाजित हो जाए? बेसिक की क्वेश्चन होंगे, आपको इनका आंसर ज़रूर देना होगा। मैथ को ये ना समझे कि हम इसको नहीं करेंगे, ये तो आपको करना ही होगा, क्योंकि इसी से आपके नंबर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, यदि √2n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे इसको। तो उसके बाद है, 3 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 9 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 2 पुरुष और 6 8 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं उसी काम को। यदि केवल 12 महिलाएं कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, 44 का राइट ऑप्शन आप दें, और सॉल्यूशन हम आपका, इसका सॉल्यूशन हम आपको करा ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 45, 20 गुलाम और 20 कलम और 35 पुस्तक 1100 रुपये में खरीदी गई, यानी 1100 रुपये में खरीदी गई। यदि कलम का औसत मूल्य 13 रुपये है तो पुस्तक का औसत मूल्य बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट है, श्वेता और संतोषी की आयु का अनुपात 9:4 है। यदि 10 वर्ष पश्चात संतोषी की आयु श्वेता की वर्तमान आयु जितनी होगी तो श्वेता और संतोषी की वर्तमान आयु बताइए, वर्षों में बतानी होगी आपको। ठीक है, अच्छे तरीके से रीड करें और 46 का आंसर ज़रूर दें। 100% इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा और आयत का परिमाण 36 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना होगा कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। नेक्स्ट है, एक कमरा जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर है तो उसमें सर्वाधिक कितनी लंबी लोहे की छड़ रखी जा सकती है? ठीक है, नेक्स्ट, 1980 में ABC में इस तरह विभाजित करें कि ए का आधा, बी का एक तिहाई भाग और सी का 1/6वां भाग बराबर हो तो बी का भाग है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करें। 49 को, नेक्स्ट, 20% प्रतिवर्ष छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
रघु को 25,000 लेता है, एक सही 1/2 वर्ष पश्चात उसका ऋण कौन सी राशि मुक्त करेगा? तो आपके कुछ बच्चों की जो डिमांड भी थी चक्रवर्ती ब्याज की, तो वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप तैयारी अच्छी तरीके से करने, आपने इस टॉपिक को पहले भी कर लिया होगा, क्योंकि तो हमें टाइम इतना नहीं मिल पाता कि सभी सब्जेक्ट की वीडियो बना पाएँ। फिर भी हमने बहुत सारे सब्जेक्ट लगभग लगभग कवर किए हैं, ठीक है। आगे जो एग्ज़ाम है 20 तारीख में, उनके लिए ये सुविधा हो सकती है, लेकिन आप इस टाइम करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना हार्ड टॉपिक है नहीं वैसे। 51 है, 64 की जो पावर है 2 - 2/3 है, 2/3 है, क्यों 64 की जो घात है माइनस की 2/3 है, और गुणा में है 1/4 की घात माइनस की 3। तो आपको बताना होगा बराबर में क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों के भोजन की व्यवस्था थी। 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति शिविर छोड़कर चले गए। अब बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसका आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होती है तो रकम कितनी हो जाती है? इस टॉपिक को हमने क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। तो साधारण ब्याज वाला टॉपिक बिल्कुल आपका फॉर्मूला बेस पर ही होगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो इसकी डली हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं साधारण ब्याज पर, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी कार्य को करने में ए व बी 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। यदि वह साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 2 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप कर इसको क्वेश्चन को ज़रूर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेलगाड़ी एक कार से 50% तीव्रता यात्रा करती है, दोनों एक ही समय ए बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और बिंदु बी पर, जो कि ए बिंदु से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, एक ही समय पर पहुंचती हैं। रास्ते में रेलगाड़ी ने विभिन्न स्टेशनों पर रुकने में लगभग 12.5 मिनट यानी 12.5 मिनट लगाए, कार की गति क्या होगी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर लगाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, 72 किलोमीटर घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। आपने सीखा ही होगा छोटी क्लासों में, तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें या अपनी कॉपी पर नोट करें। नेक्स्ट, यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे? नेक्स्ट है, x1, x2, x3 का औसत 16 हो तो x2, x3, x4 का योग का आधा है, आधा 23 है, x1 का मान ज्ञात कीजिए। आराम से सोचकर इसका आंसर दें, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें और आपको आंसर ज़रूर देना होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 59, एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग इतना था, बी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, वर्तमान का आपको अनुपात दिया है और पिछले 5 साल
का आपको योग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 तथा 9 का